चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था, है ना? ठीक है, बोला था ना मैं सवाल करवाऊंगा, तो एक तो सवाल करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। एक्सेलेरेंट है,
जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्म्स है पर यूनिट लेंथ 1000 है ना, यूनिट लेंथ में, ठीक है। और बोला गया कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है आईआर 1 एम्पीयर, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी पर मीटर ऑफ सॉलिड मैग्नेट, सिंपल सा सवाल है ना। रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है, पर यूनिट लेंथ 1000 टर्न्स है ना, करंट फ्लो कर रहा है इसमें 1 एम्पीयर, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर, आई है 1 एम्पीयर, आर है 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 पर मीटर, है ना। आपसे प्रूफ क्या पूछा है, मैग्नेटिक एनर्जी पर मीटर ऑफ सॉलिड क्या होगा, बता सकते हो? आसान है, है ना। एनर्जी डेंसिटी क्या था याद कीजिए, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या था, डी स्क्वायर अपॉन 2μ0। एनर्जी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2μ0 इनटू वॉल्यूम, डी स्क्वायर अपॉन 2μ0। वॉल्यूम की जगह पे क्या लेंगे, तो हमें बोला है कि सोलेनोइड के 1 मीटर लेंथ में बताओ, तो लेंथ तो 1 मीटर हो गया, हो गया ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एल की जगह पे 1 मीटर। बी बताइए क्या होता है, बी होता है म्यू नॉट टैन आई, है ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नॉर्मल सा है, होगा ना, बोलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक सर्कुलर कॉइल है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पीयर, बेटा लेंथ मतलब है वॉल्यूम लिखोगे ना, वॉल्यूम इसका क्या है सोलेनोइड का, पाई आर स्क्वायर एल, एल एल क्या दे रखा है 1 मीटर में बताओ, ये 1 लिखा हुआ है 1 मीटर, है ना।
लेंथ लिखा है मैंने, ठीक है। अरे देख लीजिए, दे रखा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पीयर, ठीक है। अब इसके सेंटर पे एक क्यूब रखा है, सेंटर पे एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है भाई, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 1 mm क्यूब, 1 mm क्यूब है वॉल्यूम, क्लियर है। एक क्यों नहीं रहा है, रुक गया क्या, दिखाई दे रहा है क्या क्या, हेलो, हेलो, हाँ देखो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पीयर, यहाँ इसके सेंटर पे क्यूबिकल वॉल्यूम लिया गया है 1 mm क्यूब का। पूछ रहा है इसमें कितना एनर्जी है, इस क्यूबिकल वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, है ना। एक मिनट बेटा, आपका रिस्पांस मुझे दिखेगा नहीं, एनर्जी स्टोर इनसाइड क्यूब, बताइए।
ठीक है। एक और सवाल दे देता हूँ, ठीक करता हूँ। सवाल समझ में आया ना? एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पीयर, ठीक है। इसके सेंटर पे क्यूबिकल वॉल्यूम दे रखा है 1 मिलीमीटर क्यूब का, है ना। इस वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा ये आपको बताना है। दूसरा सवाल है वही एक आगे सर्कल वाला, ठीक है। टू हेनरी 20 ओम, ठीक है, 4 वोल्ट इक्वल 0 पे स्विच क्लोज किया गया, 5 फर्स्ट करंट एट, फाइंड करंट एट इक्वल 0.2 सेकेंड, है ना। दूसरा एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर तब इसी टाइम पे। ये दो सवाल हैं। हो गया बेटा, है ना। अभी एक मिनट, अभी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है तुम्हारा, तो परेशान मत होना। सही है, आवाज आ रही है ना सब कुछ? यस सर, मुझे कुछ मैसेज करो। हेलो,
बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलो, यस सर नो सर मैसेज करो। हाँ ठीक है, चलिए तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, वापस वही चीज है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? डी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है ना? सही है। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना? यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, I हो गया 4, 2, R हो गया कितना? 0.1। वेलोसिटी मिल जाएगा, मिलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से D मिल गया तो काम हो गया, B square upon 2, mu not का वैल्यू तो पता ही है, पुट कर लोगे, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे? इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है? 10 to the power minus 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power minus 9 मीटर क्यूब। कन्वर्ट करेंगे मीटर में, आएगा ना? बोलिए। तो बस यहाँ से बी पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा। मतलब एक ही तरीके का सवाल था दोनों, है ना? तो ये सारा करवाया हुआ है, एप्लीकेशन करवाया हुआ है, सवाल में कुछ नया नहीं होता, बस सवाल में लैंग्वेज आपको समझना है, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए आर्यन सर्किट में, आर्यन सर्किट याद कीजिए क्या होता था, क्या होता था? आई क्या होता था? आई इक्वल्स आई नॉट 1 माइनस, यही होता था बेटा। वेयर आई नॉट क्या होता था? आई नॉट होता था ई बाई आर, ये कितना है? 4 अपॉन आर, 4 अपॉन 20, 0.2 एम्पीयर। आई नॉट कितना है? 0.2 एम्पीयर, तो आई हो जाएगा 0.2, 1 माइनस। इसका टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, अकाउंट कर लो ना, आर कितना है? 20 माइनस में इनटू टाइम कितना है? 0.2 अपॉन आर बाई 10, 2, यानी कि ये क्या आ गया? 0.2 1 माइनस e का पावर माइनस 1, आया ना? ये आपने पहले ही कर रखा है, 0.2 इंटू 0.63, 0.2 इंटू 0.63, इसका वैल्यू यही आता है शायद, है ना? 1 माइनस 1 बाई e का वैल्यू 0.63 आता है, हमने पहले किया है। अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट डाउन देखोगे तो क्या होता था? l बाई r, l कितना है? 2 अपॉन 20, 0.2। तो बेसिकली 0.2 सेकंड का मतलब है कि आपसे करंट पूछ रहा है आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ से करंट पता चल जाएगा, कितना आएगा? 0.1767 समथिंग एम्पीयर, यही आएगा क्या? यही आएगा क्या? अरे बोलो, कुछ नहीं
उसमें ऐड नहीं किया यार, जो तुमने किया था आरसी सर्किट में वही करना हूं मैं भी। उसमें ऐड कर रहा हूं क्या बेटा? आरएल सर्किट में चार्जिंग के लिए क्या आया था? आई इक्वल्स आई नॉट 1 माइनस ई का पावर आर टी अपॉन एन या माइनस टी अपॉन टाउ। एक बार पूरा ध्यान रखना पसीना तो नहीं याद कर किसी टाइप का था। टाउ क्या था? टाउ टाउ था टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे होता है एल बाई आर, यहाँ पे टाउ क्या होता है? एल बाई आर। वहां पे टाउ होता था आर इंटू सी, है ना, बताया था। तो एल बाई आर आप जब निकालेंगे तो आएगा 2/20 0.1 है 0.1 क्या हो रहा है 0.1 0.1 0.2 0.2 सेकेंड के बाद यानी कि आफ्टर टू टाइम कांस्टेंट टू टाइम कांस्टेंट के बाद ऑलमोस्ट 80% सेल होता था, है ना? जहां तक हमें याद है क्या था? 80%। नहीं तो कैलकुलेट कर ले 0.2 1 माइनस 1 बाय एस के, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है? जो भी आंसर आएगा करेक्ट मिल जाएगा। इस तरह से एनर्जी पूछ रहा है तो क्या कर लिखेंगे आप? एल आई एस के एनर्जी दिस टाइम में मुझे, क्योंकि एनर्जी भी टाइम का फंक्शन है। आप एल आई स्क्वायर होता है ना, अब आई क्या है? टाइम का फंक्शन है, एनर्जी भी क्या होगा? टाइम का फंक्शन। अगर 0.2 सेकंड में पूछ रहा है तो यहां से जो करंट आएगा उसको पुट करेंगे। स्टेडी स्टेट में पूछेगा तो स्टेडी स्टेट में जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हम पुट करेंगे। तो वही तरीका है जो हमने कैपेसिटर के अंदर किया था। चलो कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे चलते हैं, है ना? इस सारे एसी वालों का सवाल है। समझे? अरे भूलिए, आगे बढ़ो, स्टार्ट करो अल्टरनेटिंग करें। कुछ नहीं बोलता है, हाँ बोलता है, ना बोलता है, चलो अल्टरनेटिंग करें एसी, अल्टरनेटिंग करें तो जानते ही हो, एक होता है डीसी करें, एक होता है एसी करें। नहीं 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 पढ़ा होगा, है ना? हाँ, जनरेशन भी पढ़ा होगा। डीसी करें वैसा करें जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वैसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? वैसा करंट जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। अल्टरनेटिंग के बाद, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब एक बार पॉजिटिव हुआ दूसरे बार नेगेटिव हुआ, यानी कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर डायरेक्शन पेरियोडिकली, पेरियोडिकली, है ना? करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, है ना? डायरेक्शन तो चेंज करेगा, इसमें ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ग्राफ से अगर देखना चाहोगे, है ना, तो मान लीजिए टाइम एक्सिस, यहाँ पे हमने टाइम रख दिया,
माइनस वाले एक्सिस पे करंट लग गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि उस टाइम जो है करंट मान लो 2 एम्पीयर करंट है ना, उस टाइम हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बार बार कनेक्शन पूछ रहा है। देखो इधर आप क्या बोल रहे थे कि ऑल्टरनेटिव करेंट का मतलब वैसा करेंट जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद है ना अपना डायरेक्शन चेंज करे, अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो अब इसका मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि मान लो वायर है ना, वायर है, तो उस टाइम क्या हुआ करंट आगे की तरफ फ्लो। ठीक है, फिर उस टाइम मान लो एक सेकंड आगे की तरफ फ्लो किया, फिर अगला सेकंड दूसरे सेकंड में पीछे की तरफ फ्लो करने लगा, फिर तीसरे सेकंड में आगे की तरफ फ्लो करने लगा, फिर फोर्थ सेकंड में पीछे की तरफ फ्लो करने लगा, है ना। तो अगर इस तरह का करंट है जो अपना डायरेक्शन चेंज करता हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वैसे वन सेकंड बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम टाइम में डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, बहुत फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज है हमारे यहाँ का सप्लाई, उसका मतलब है कि एक सेकंड में 50 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यहाँ पे ऐसे है, तो अगर आप ग्राफ से देखना चाहें तो मान लो हमने इस एक्सिस पे करंट को रखा, इस पे टाइम को, तो कुछ टाइम तक मान लो क्या हुआ, करंट पॉजिटिव रहा, फिर क्या होगा, करंट इकाई नेगेटिव हो गया, मतलब पहले करंट आगे की तरफ जा रहा था पॉजिटिव, फिर करंट पीछे की तरफ जाने लगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है, आगे की तरफ भी फ्लो कर रहा था 2 एम्पीयर था, पीछे की तरफ भी फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पीयर, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर कुछ टाइम बाद वापस क्या हुआ, वापस पॉजिटिव हो गया, तो अगर इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। और इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव करंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट हो सकती है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है करंट इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फिर करंट नेगेटिव हुआ फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी कुछ टाइम करंट पॉजिटिव है, अगर हम इस वाले ग्राफ में देखोगे तो ये ऊपर वाला ग्राफ है पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे पॉजिटिव आएगा ना, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो नेगेटिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो चुका है ना। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड करंट का कांस्टेंट है। यहां पे क्या आ रहा है करंट, यहाँ पे अगर कोई टाइम मान लो टी1, तो यहाँ पे जो करंट है वो कुछ है मान लो कुछ भी
आई वाई है ना। फिर आगे जाओगे कोई दूसरा टाइम लोगे पी टू तो जो करंट आएगा वो आएगा आई टू, करंट चेंज हो रहा है ना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा ठीक है। जो कॉमन टाइम का करंट है जो हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो होता है साइनोसाइडल करंट, होता है साइनोसाइडल करंट साइन वेव जैसा है ना। एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग है, और मोस्टली जो करंट हम जो यूज करते हैं वो एडी करंट है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो जनरेशन होता है वो हम कैसे करते हैं, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं टाइम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से है ना, है ना। तो यहाँ पे जो ईएम फाइव जो आया था क्या आया था याद करो, बी ए कॉस थीटा आया था ना, और थीटा क्या था, थीटा अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इनटू डी, और डी फाइव बाय डी टी जब हमने लिखा था तो आया था बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है ना, यही आया था ना। और ये डी फाइव बाय डी टी नहीं तो ये मतलब एक यहाँ साइन का भी फंक्शन था यार। तो एक कॉमन टाइप का अल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में यूज होता है ना। वैसे री अल्टरनेटिंग करंट है, री अल्टरनेटिंग करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट, बात समझ में आई। अगर आप सब पूछे सपोज ए अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं, ये अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं बोलो, ये अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं, अरे अल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट है, ये वास्तव आ रही है ना, डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट क्यों है भाई, यह है डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन चेंज ना करे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो करंट यहाँ भी है तब भी पॉजिटिव ही है, यहाँ भी है तब भी पॉजिटिव ही है ना। तो करंट फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है मतलब करंट का मैग्नेटिक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, फ्लो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, वो बात अलग है। करंट फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब उसकी मैग्नेटिक इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से ये डायरेक्ट करंट है। कॉमन टाइप हम जो बोलते हैं डायरेक्ट करंट जनरली हम मानते हैं वैसे बना देते हैं है ना, ये टाइम हो गया और करंट हो गया। लेकिन ये भी डायरेक्ट करंट है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि इसमें कुछ अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट है, आगे जाके देखोगे ठीक है। क्योंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं ठीक है, तो फर्स्ट फेज में जो हमें करंट मिलता है वो इसी टाइप का मिलता है, डायोड यूज करके जब हम करंट बनाते हैं तो वो मिलता तो डायरेक्ट है लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है, क्योंकि हम इस वाले करंट को चेंज करते हैं डायरेक्ट करंट। तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चलाता है पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग रहता है उसको भी हम चेंज करते हैं फिल्टर लगा के ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है। हम जो यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट वो कैसा होता है, साइनोसाइडल, क्योंकि जनरेशन कैसे करते हैं जनरेटर से, जनरेटर के अंदर क्या होता है कॉइलिंग, कॉइलिंग को क्या करते हैं जनरेटर को रोटेट करवाते हैं एक्सटर्नल सोर्स से है ना, डीजल इंजन से करवाते हैं या फिर पावर प्लांट के अंदर रोटेट करवाते हैं,
बेसिक फंक्शन यही है, तो जब रोटेट करोगे तो क्या जनरेट होगा, साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अपना जो काम होगा वो उसी पे होगा। इस तरह के भी सवाल आप देख लेंगे कि अगर इस तरह का करंट है तो क्या होगा, क्लियर है। तो अल्टरनेटिव करंट क्या छोड़ जाएगा, ऐसा करें जो पीरियडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता हो। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है कि करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, दूसरा है कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो। एक एग्जांपल है, एक इसका है, इसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। उस टाइम आगे की तरफ 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, उस टाइम पीछे की तरफ 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड करंट का 2 एम्पीयर है। इन दोनों केस में क्या है, इसमें करंट पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है फिर नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर ध्यान से देखो तो करंट जीरो भी हो रहा है, यहां पे करंट जीरो है, यहां पे करंट जीरो है, यहां पे करंट जीरो है ना। इसमें अगर देखोगे इसमें भी करंट यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है ना। तो आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है ना, वो बेसिकली अल्टरनेटिव सोर्स से लाइट कर रहा है, तो उसमें भी करंट जीरो हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। करने का मतलब कि जो एक साइकिल है ना, एक साइकिल यहां से यहां तक ऑसिलेट करने में एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल लगाएगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऐसे ऐसे 50 साइकिल बनते हैं एक सेकंड के अंदर, ऐसे ऐसे 50 साइकिल। 50 साइकिल का बोलने का मतलब एक साइकिल में दो बार जीरो होगा, एक साइकिल में दो बार जीरो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का देने का मतलब एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स करंट क्या होगा, जीरो। करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अपने आई का जो परसिस्टेंस है वो 10 सेकंड का ही है। करने का मतलब कि एक सेकंड में 10 इमेज चेंज करेगा तब तो आप पकड़ पाओगे, उससे ज्यादा इमेज चेंज करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने से आया क्या और गया क्या। बात समझ में आई, तो मतलब आप वो एक सेकंड में 100 टाइम्स उसमें करंट जीरो है, लेकिन आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती तो आपको फ्लक्चुएशन दिखता, समझे, क्लियर है ना। तो फटाफट इसको सफाई कर आगे चलते हैं, इसमें जो मेन पार्ट है। अल्टरनेटिंग करंट जिस चेंज है जिस डायरेक्शन पीरियडिकली क्या बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अगर बना लिए होंगे इसको उसको बताने चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब करंट जो है बेसिकली हमारे पास वो क्या कैसा होता है, साइनोसाइडल। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जब करंट कांस्टेंट नहीं है तो मान लो कोई सोर्स आप यूज करोगे तो उससे कितना पावर खर्च करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, ये सब कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि जैसे कि मान लो, वैसे समझने की कोशिश करो, मान लो एक रेजिस्टेंस आ रहे और मान लो इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, डीसी करंट है, तो अगर आपको हीट खींचने के लिए बोलता है तो आप डायरेक्ट लिख देते आई इस पर, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है आसानी से पता चलता है। लेकिन यही रेजिस्टेंस है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है ना, तो जब हीट खींचोगे तो क्या आएगा, IT का स्क्वायर आ गया, क्योंकि PT यही है ना,
क्योंकि यहाँ पे तो करेंट ही वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम समझने के लिए क्या करते हैं, अगर एसी करंट को डीसी करंट से रिप्लेस किया जाए, मान लो एसी करंट को हम डीसी करंट से रिप्लेस करेंगे तो कितना करंट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आई टी जो है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मान लो एक साइकिल के अंदर इसको हम डीसी करंट से रिप्लेस करें तो इसके कोवेलेंस करंट क्या होगा, एवरेज करंट क्या होगा, है ना। तो दो टर्म आता है, एक होता है डी करंट और एवरेज करंट, आई एवरेज, मीन करंट और एवरेज करंट, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब करंट का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। हमें एक चीज पता है कि एफ आई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, इस करंट जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि हम जो घर में भी यूज करते हैं टाइम साइडर करंट, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम ही होता है, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम ही होता है। I equals I not sin omega t, I not क्या होता है बेटा, ये I not होता है t, ठीक है। तो यहाँ पे जो I not है इसको बोलते हैं t करेंट, और बोल सकते हो मैक्सिमम करेंट। अब यहाँ पे करंट फ्लक्चुएट कर रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो मैक्सिमम इंक्रीज इन करंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, पीक करंट। और ये जो आई आता है वो आई क्या आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है पता ही है आपको, एंगल फ्रीक्वेंसी, है ना। इसका जनरेशन अभी समझाया था, अभी दिखाया था आपको, किसी कॉइल को अगर हम रोटेट करते हैं ओमेगा एंगल स्पीड से एक करंट फ्लो प्रोड्यूस होता है, यही होता है इस टाइप का, आया था ना। अरे बोलो यार, आया था। तो करंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो हम बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, आई एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कितना चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, क्लियर क्लियर है। अब डेल्टा क्यू कैसे लिखोगे भाई, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, यही होगा ना। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा i t into dt, यानी कि आ गया डेल्टा q बेसिकली क्या है, i t dt, जो भी फंक्शन होगा करंट का हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। और अगर i एवरेज चाहिए तो जितना टाइम इंटरवल में चार्ज निकालेंगे उतना ही टाइम से डिवाइड कर देंगे, यही होगा ना यार। तुमने क्या मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, जब एवरेज वेलोसिटी लिखते थे तो लिखते थे dvt अपॉन dt, याद कर कुछ नया नहीं बता रहा, लिखते थे ना ये एवरेज वेलोसिटी, लिखते थे ना dvt अपॉन dt, जब वेलोसिटी फंक्शन होता था टाइम का, तो क्योंकि वेलोसिटी dvt क्या है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है यार। अगर तू ध्यान से देख, एक करंट है ना i और इस एक्सिस पे है टाइम, तो i dt जो बेसिकली है वो क्या दे रहा है, एरिया, और यही चार्ज है ना,
यही चार में मैं यार यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आईटी ग्राफ है वो क्या उसका एरिया क्या दे रहा है चार ये आईटी आईटीटी जो है वो बेसिकली क्या है एरिया अंडर कर्व ऑन टाइम एक्सिस क्लियर है तो आई एवरेज का बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है आईटीटी अपॉन एटी अब लिमिट पुट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम एवरेज करंट किस टाइम पीरियड के अंदर निकाल रहे हैं मतलब हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं है ना या फिर यहां से यहां तक क्या है कहीं बीच से लेके यहां वो लिमिट उसके अनुसार हम पुट करेंगे लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन होगा एवरेज करंट का वो क्या होगा आई टी डी टी अपॉन डी टी क्लियर है नेक्स्ट एरिया अंडर आई टी कर्व ऑन टाइम एक्सिस गिव्स टोटल चार्ज फ्लो इसकी टाइमिंग कर्व भी निकालेंगे जैसे कि एक हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया तो एरिया बताएगा फुल साइकिल में कितना तो पूरा एरिया बताएगा है ना समझ क्वार्टर क्वार्टर साइकिल में अगर पूछेगा तो इधर वाला एरिया बताएगा ये वाला पार्ट है ना इस तरीके से तो जिस भी इंटरवल में बोलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बस ध्यान कर रखना है बेसिक डेफिनेशन यही होगा जैसे वेलोसिटी में भी ये होता था एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन ठीक है इस तरीके से तो मीन निकालने का बेसिक तरीका है वो यही है किसी भी चीज का मीन निकालना हो किसी भी फंक्शन का यहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे dt से इंटीग्रेट करेंगे dt से डिवाइड करेंगे ये अब आई मीन या आई एवरेज ऑफ साइनोसाइडल करेंट साइनोसाइडल करंट ठीक है तो साइनोसाइडल का करंट का आई मीन निकालेंगे आई एवरेज निकालने जा रहे हैं आई मीन या आई एवरेज लिख रहा हूं उसका मतलब ये भी चीज है तो आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई साइनोसाइडल करंट का मतलब क्या होगा आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी यही होगा ना है ना अब एवरेज लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे आई टी डी टी अपॉन डी टी है ना अब मान लीजिए फॉर फुल साइकिल में निकालेंगे फुल साइकिल मतलब टाइम जो होगा जीरो से टू इक्वल्स टी वन टाइम पीरियड और बोल सकते हो वन टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं टू फाइव बाई ओमेगा लिख सकते हैं ना यानी कि अपना जो लिमिट होगा वो कहाँ होगा टी इक्वल जीरो से इक्वल्स टू फाइव बाई ओमेगा क्लियर है ना तो ठीक है इधर तो वही होगा मिटा रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है छोटा सा लिख रहा हूँ उससे अच्छा बड़ा लिख रहा हूँ हो गया क्या इस साइड में हो गया चलिए देखिए इधर मिटा रहा देखिए हमें क्या लिखना लिखना है आई एवरेज एवरेज तो हम ऐसे भी लिखते हैं है ना ये जो ब्रैकेट है इस टाइप का जो भी ब्रैकेट है तो आई टी फंक्शन क्या है भाई आई टी है आई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी यही है ना आई टी आईडी यही है ना हमने फंक्शन आई आर इनटू डीटी अपॉन क्या है डीटी
लिमिट कहां से कहां जाएगा भाई, तो 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई सही है। अब लिखेंगे आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस है माइनस कॉस माइनस में, और अपॉन ओमेगा से डिवाइड भी होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से पाई बाय ओमेगा और डीटी का इंटीग्रेशन टी आएगा, तो टी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा आएगा ना, क्लियर है? तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो इधर आएगा आई नॉट अपॉन पाई ओमेगा, ओमेगा तो कटिंग है ना, सॉरी आई नॉट अपॉन 2 पाई है ना। अब यहां पे पुट कर दिया तो आ जाएगा लोअर लिमिट वाले आएगा, क्योंकि माइनस है इसके अंदर, बस 0 cos ओमेगा इनटू 2 पाई बाय t के जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा हो गया, क्योंकि आई नॉट अपॉन 2 पाई ठीक है। cos 0 1 क्या होता है 1 माइनस माइनस cos 2 पाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, साइन का इंटीग्रेशन cos cos 0 1 होता है ना माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है cos होता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, हाँ पहले लोअर लिमिट पुट के माइनस का, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई क्या होता है बेटा, कॉस 2 पाई कॉस 2 पाई वो 1 ही होता है ना, हाँ तो आंसर 0, यानी कि आई एवरेज क्या आएगा, जीरो। अरे जीरो क्यों हुआ, तो ध्यान से देख, अभी तो ग्राफ बनाया हुआ था, इस ग्राफ में देख लो, वन टाइम क्रिएट कर लोगे मतलब वन साइकिल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया डेल्टा क्यू, जितना आगे चार्ज फ्लो किया नहीं चार्ज इधर कितना इधर तो फ्लो किया पीछे की तरफ, यानी कि नेट चार्ज कितना फ्लो किया जीरो, तो एवरेज करंट भी क्या है जीरो, यानी कि वन साइकिल में क्या है जीरो, यानी कि यहां पे आप एरिया ही जोड़ दोगे है ना, a1 - a2 क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि फुल साइकिल में क्या होगा जीरो। अगर हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल में क्या चेंज होगा, लेमिट चेंज होगा है ना, तो यहां फुल साइकिल के लिए क्या है हाफ साइकिल करोगे तो क्या होगा लिमिट 0 से t by 2, 0 से t by 2 यानी क्या कर रहा है, हाफ साइकिल की बात करें
पर हाफ साइकिल मतलब इक्वल जीरो टू टी इक्वल्स पी बाई टू और पाई बाई ओमेगा। यही आएगा ना, यही आएगा। तो जब आई आरपीएस लिखोगे हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल ऊपर लिख दिया है तो क्या आएगा, वही आई टी डी टी। आई टी की जगह पे क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डीटी। चेंज किस में आएगा, लिमिट में। तो जीरो से पी बाई टू मतलब पाई बाई ओमेगा है ना। डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो डायरेक्ट लिख लेता हूं, लेने से डिफरेंशिएशन किया हुआ है आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट चेंज होगा और इधर आ जाएगा टी जीरो से पाई बाई ओमेगा। तो यहां से आएगा आई नॉट अपॉन पाई cos 0 minus cos omega into pi by omega, यानी कि cos pi, cos pi होता है minus 1, यानी कि यहाँ पे अगर i average लेके गया तो आएगा 2 i naught by 5, 2 i naught by 5, तो जो average current है वो क्या है half cycle में 2 i naught upon 5। ये ऑलमोस्ट आता है शायद 0.63 आई नॉट, ऑलमोस्ट किसी के पास आता है। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। अरे सवाल तो खुद से करना। मान लो करंट का फंक्शन है 2t² + 4, करंट का फंक्शन है बताइए करके लाइए खुद से, एक तरीके से करना है, आपको नया नहीं है। क्लास हो गया बेटा है ना। तो अगर करंट का फंक्शन है आई टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, देन फाइंड एवरेज करंट इन टी इक्वल 0 टू टी इक्वल्स 4 सेकंड। ठीक है, इससे आगे करेंगे और भी एवरेज करंट को करेंगे, एक दो फंक्शन आने पर ग्राफ देखेंगे और फिर इसके बाद आएगा आई मिस करें है ना, तो करेंगे अगले क्लास में। पेपर तो कैंसिल नहीं किया तुम्हारा, थैंक यू। अरे वो ऑपरेटर का तबीयत खराब था, तो नेक्स्ट संडे को होगा। Okay, thank you.